हेलो, कब हाँ बोलोगे पूछा था ना। जीजा जी ने हाँ कर दी, खत्म कर दो। कुछ ही देर में जलीकट्टू है, एक भी इंसान नहीं होगा, अकेला कहीं घूम रहा होगा। देख लो क्या करना है। एक घंटे में काम तमाम हो जाएगा। हेलो, कहाँ है अभी आप? अभी घर जा रहा हूँ। आप अभी घर मत जाइए, विजय घर हाँ। पहुंच सकता है। आप फोन बंद रखिए, मैं खुद आके आपको ले जाऊंगा। कबीर, अपना ध्यान रखना आता है मुझे। क्या जीजा, मैंने बोल दिया ना, मेरी बात को समझिए। जीजा, मैं अपना सर कटवा दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप फोन बंद रखिए। बेटी, तुम यहां आकर बैठ गई हो। वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। अगर उसके पाले हुए गाय बैल बकरी को भी कुछ हो जाता है तो उनके दुख में वो टूट जाता है। वो किसी को चाकू मार सकता है क्या? खून कर सकता है क्या? तुम उसे नहीं समझ पा रही हो। वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम तो उसके साथ रही हो, तुम पर जान देता है वो। अगर तुम नहीं रही तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा बेटी। घर पर वो जिंदा लाश की तरह दिन भर बैठा रहता है। अगर आज शाम 6 बजे तक तुम घर पर नहीं आई तो सुन लो, सामने जो भी आएगा वो उसे मार डालेगा। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसके बाद तुम दोनों की दुनिया टूट टूट कर बिखर जाएगी। तुम्हारे बीच गलत फहमी हुई है। मेरा दिल कहता है तुम घर आ जाओ बेटी। बहुत छोटा परिवार है हमारा, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बेटी, अपने घर को बचा लो। मुझे अगर यहाँ किसी ने देख भी लिया तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे दुख नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा, आना होगा। आ जाओ बेटी, घर पर आ जाओ अपने। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ भाभी। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ भाभी। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं बोल दूंगी। ए, उसका ऐसा हाल करना कि देखने वालों की रूह कांप जाए। एक साल तक इस गांव में हमारी चर्चा चलनी चाहिए। हमारी ताकत सबको दिखा दो। जाओ। बैल से लड़ने की क्षमता रखते हैं और ये देखिए, इन्होंने बैल को पकड़ा, पीठ पकड़कर, और इस तरह से इन्हें जीत हासिल हुई। ए, सुनो, तुम उस तरफ जाओ। अनु, अनु, क्या हुआ? दीदी, अनु कहाँ है? वो चली गई। कहाँ गई? अपने पति के घर। किससे पूछ के भेजा? आखिर किससे पूछ के भेजा? वो अपने पति के घर गई है, लेकिन तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? विजय को मारने के लिए बोल दिया, जीजा जी के कहने पे बोला, और ऐसे टाइम पे क्यों भेज दिया उसे? अरे पापियो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं कबीर, ये सब होने से रोक ले। इतने सालों से तुम्हारे ससुराल में गाय का गोबर क्यों उठा रहा हूं मैं? तुम मेरी बहन हो ना, मेरे मन की बात तक नहीं समझती। शर्त लगाई, वादा कर दिया, मेरी अनु किसी और को दे दिया। कुत्ता कुत्ता बनाकर बैठा रखा है मुझे। अब हाथ आ गई है दीदी, अब मैं नहीं जाने दूंगा। ए कबीर, मतलब इस सब के पीछे तू है? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही ये सब किया है। बैल से उस पे हमला करवाया, पूजा में दारू पिलाकर झगड़ा करवाया, तेरे पति को पंचायत में लाभ खिलवाई, खेत जलाया, और हाँ, तेरे पति को चाकू भी मैंने ही मारा था। अरे पापी, अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो? आगे जीजा जी, उसे मारने के लिए मैंने लोगों को भेज दिया है।
बस वो लोग उसे मारने ही वाले होंगे। क्या जीजा, सब सुन लिया क्या? मुझे बता देना चाहिए था या आपको पूछ लेना चाहिए था? ठीक है छोड़ो, जो होना था हो गया। अनु बस मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। छोड़ दे कबीर, ये क्यों कर रहे हैं? कबीर छोड़ दे उन्हें। कौन सवार है मुझ पर? अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। गलत कर रहा तू। अच्छा होगा पीछे मत आना। देख कबीर, हमें जिंदगी देकर तुझे पालकर बड़ा इन्होंने किया है, इनके साथ धोखा मत कर। ये धोखा नहीं है, मेरा प्यार है। अनु, बातचीत करके सब ठीक हो गया है? जीजा जी ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए बोला है। भैया ने खुद ऐसा कहा? जा रहे हो? अब जाकर के तो मैं सही रास्ते पे आया हूं। कबीर, गाड़ी रोको। अनु, चुपचाप रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गाड़ी नहीं रोकी तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। अनु, 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 मेरी बात सुनो। अनु, अनु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अनु, तुम मेरी जान हो अनु। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये सब विजय ने सुन लिया ना तो तुम्हारा गला काट देंगे, समझे? विजय, 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 अब तक तो मर चुका होगा वो। अब तुम मेरे साथ चलो अनु, अनु, अब तुम मेरे साथ चलो अनु। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, सारे जेवर, जायदाद के पेपर सब हमारे हैं अनु। हम कहीं भी जाके आराम से रह सकते हैं अनु। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अच्छा चलो चलो अनु, चलो आजा 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 मेरे साथ आओ। अनु 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 ए अनु, ए अनु, कहाँ जा रही हो? रुको अनु, 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 रुको, भागो मत अनु। अनु, अनु, रुक जाओ अनु। अनु, अनु, मुझे देख के क्यों भाग रही हो? अनु, रुक जाओ अनु। अनु, अनु, सुनो मेरी बात, सुनो, मुझे देख के क्यों भाग रही हो? अनु, अनु, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें चाहता हूँ मैं। अनु, 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 वो कल का आया वो छोकरा
वो विजय, उससे तुम्हारी शादी क्या होगी? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। उसे छोड़ो, हम लोग कहीं और चल के साथ में रहेंगे। अनु, मैं सच कहता हूँ अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अनु, कसम खा के कहता हूँ अनु, सच बोल रहा हूँ अनु, तुम बस एक बार हाँ बोल दो। अनु, अनु बोलो ना अनु, प्यार करती हो ना? बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। औरत को जेल भेजकर हम खुश नहीं रह सकते। मैंने गलती कर दी, एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। ये किसी न किसी के हाथों तो मरता जरूर, इसकी बहन ने ही से मार दिया। जहरीला सपोला था, साथ रखकर पोस कर अपने ही गले का फंदा बना लिया था। मैंने तो जिंदगी जी ली है। तुम दोनों अब चले जाओ यहां से, जाओ। दोनों अब हमेशा खुश रहना। ना।